रोड एक बार चेक मारो गाइस, मतलब कितनी प्यारी रोड है, कितनी शानदार रोड है, बिल्कुल घने जंगलों से होते हुए गाइस, मतलब इधर पूरा ही जंगल है। और भाई इधर गाइस, और देखो ये है अपने मेरठ का वाइट हाउस। तो आपको तो अपनी RS 200 की, तो भैया देखो अभी हालत थोड़ी सी टाइट है, तो आज पूरा प्रॉपर मौका नहीं मिल पाया उसकी रैली लाने का। तो 220 मैं ज़्यादा आपको कंसिडर करूँगा अगर आप लेते हैं तो एवेंजर टूरिंग के मतलब के लिए और सिटी के मतलब के लिए। भैया देखो बहुत सही, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत बड़े होंगे, एकदम मजे होंगे। चलो जी चलते हैं आज फिर अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं अपनी एवेंजर के साथ, क्योंकि भैया अपनी RS में हो चुके हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि उसका जो भी सेल्फ वगैरह स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो तो बाकी की बातें करेंगे हम लोग बाइक पे और अपनी राइड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे हमेशा की तरह अपने अपने घरों में गाइस। सो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो को, आज के व्लॉग को नए नए सीजन के आम के साथ। तो गाइस आम देखने को मिल गए भैया, क्या बात है। तो अभी तक हमने भैया सीज़न के आम नहीं खाए हैं अभी तक, तो देखेंगे भैया आम वगैरह भी अगर मिलते हैं तो लेंगे ज़रूर। तो जी गाइस अपनी RS 200 की, तो भैया देखो अभी हालत थोड़ी सी टाइट है, तो आज पूरा प्रॉपर मौका नहीं मिल पाया उसकी रिले लाने का। तो गाइस जब रिले आ जाएगी तो उसमें इंस्टॉल करेंगे, रिले का ही मुझे प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि वो प्रॉपरली करंट नहीं पहुंचा रहा है सेल्फ तक। तो यही एक रीज़न है कि भैया गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है लेकिन फालतू का कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना है अपने को। तो भाई क्योंकि अगर बीच में ले जा के खड़ा कर दिया ना RS 200 ने, तो भाई उसको खींचते खींचते हालत ख़राब हो जाती है, और फिर धक्के मार के स्टार्ट करो वो अलग ही चीज़ बन जाती है। तो जी गाइस बस अब अपनी एवेंजर पे आज के व्लॉग को शूट करेंगे और भैया बातें करेंगे अपनी एवेंजर के बारे में कि एवेंजर कैसा रिस्पांस दे रही है अब तक और जब से ली है गाड़ी। तो देखो गाइस जब से लेके अब तक तो अच्छा खासा रिस्पांस है अपनी एवेंजर का, कोई भी अभी इसमें ऐसा कोई मेजर इशू अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है कि गाड़ी में कोई ऐसा मेजर इशू आए या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम वगैरह आए, तो खैर बढ़िया है एवेंजर। देखो सिटी के मामले में और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के मामले में तो है ही खैर बढ़िया, लेकिन वो तब बढ़िया हो जाती है जब आप 220 लेते हैं, क्योंकि देखो 160 इतना बढ़िया इनिशियल पिकअप वगैरह नहीं दे पाता है जितना 220 दे देती है। तो 220 मैं ज़्यादा आपको कंसिडर करूँगा अगर आप लेते हैं तो एवेंजर टूरिंग के मतलब के लिए और सिटी के मतलब के लिए। भैया देखो बहुत सही बाइक है बजाज एवेंजर, और अब तो 2023 का लेटेस्ट मॉडल जो आ चुका है गाइस वो काफ़ी बढ़िया आ गया है इस टाइम। मतलब उसका जो मीटर है डिजिटल मीटर वो भैया चेंज हो के आया है, और थोड़ा सा जो यहाँ पे एक जो चीज़ होती है ना ये भी चेंज हो के आई हुई है। काफ़ी देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है वो। तो भैया हमारी 160 में गाय बजाज ने ऐसा नहीं डाला है, तो इसका थोड़ा सा भैया देखो हमको फील हो रहा है कि बजाज अपनी 160 सेगमेंट में भी ये वाली चीज़ें करके देना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भैया भीड़ देख लो आप, तो गाइस देख सकते हैं शाम का कितना ज़्यादा जाम हुआ पड़ा है भैया, ट्रैफिक इतना ज़्यादा। तो गाइस अपने शहर में इतना कोई एक्सप्लोर करने के लिए जगह इतनी है नहीं खैर, लेकिन फिर भी भैया आप कोशिश रहती है कि आपको आपसे नई नई जगह पर बातें की जाए और भैया अपने सिटी को एक्सप्लोर किया जाए। तो गाइस आने वाले टाइम में भाई देखो अपने शहर की जो एक पिक्चर है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी जब ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, और भाई अलग ही एक लेवल आ जाएगा अपने मेरठ सिटी का, तो काफ़ी हद तक बहुत ही अलग हो जाने वाला है अपना शहर। सो भैया देखो रास्ते भी बिल्कुल बदलाव कर दिए रास्तों में, पहले कैसे जा रहा था रास्ता और अब कैसे आ गया है।
तो बिल्कुल रास्ते अलग ही कर दिए हैं जब से ये वाला कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। तो कई सारे रूट डाइवर्ट हुए हैं, कई सारे चीज़ें अलग हुई हैं, तो भीड़ भी उसी हिसाब से लगने शुरू हो चुकी है भाई, क्या कहने हैं। तो कुछ कुछ जगह पे तो गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ मिलती है ना कि लिटरली वहाँ पे तो बाइक चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ओ ओ ओ, थोड़े टाइम का ये तो गाइस, ये सारा जो है भैया अपना मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये सारा अंडरग्राउंड है, तो थोड़ा टाइम और बस यहाँ पे फिर भैया हमारे यहाँ पे भी गाइस मेट्रो बढ़िया तरीके से भागने लगेगी और फुल अपना सिटी बिल्कुल भैया स्मार्ट सिटी प्रॉपर हो जाएगा और बिल्कुल NCR वाला लुक आ जाएगा अपने शहर का, जैसे दिल्ली वगैरह गाज़ियाबाद ये लोग जैसे लगते हैं ना शहर, तो ऐसा ही लगने लगेगा अपना अभी शहर। तो गाइस एक बार आपको सामने की रोड चेक मारो एक बार, ये रोड बिल्कुल बहुत प्यारी है, अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो ना बिल्कुल बढ़िया शांत रोड है, लेकिन अब थोड़ी सी भीड़ वगैरह ज़्यादा होने लगी है यहाँ पे, नहीं तो एक टाइम ऐसा था गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि भाई देखो भीड़ वगैरह आपको नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना गाइस, बस वो चीज़ है, बस भीड़ भड़का भैया। देखो कई सारे रूट डाइवर्ट करे हैं ना, मैंने आपको बोल रहा था कि जब से मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो उसकी वजह से क्या है बहुत सारे रूटों को डाइवर्ट कर दिया है गाइस, और उसके चक्कर में सारी भीड़ वगैरह इसलिए लगने लग जाती है। तो खैर ये है कि भाई देखो अगर कहीं से आप रूट को अगर क्लोज़ करोगे फिर उसी रूट को फिर तुम कहीं और डाइवर्ट करोगे तो गाइस जाम लगना तो भैया देखो बनता है, और जाम लग भी रहा है गाइस, आप ये चीज़ देखो। सो जी आगे से लेंगे हम भैया राइट, और गाइस रोड एक बार देखो, रोड ये शाम हो तो इतनी प्यारी हो जाती है ना, ये रोड बहुत प्यारी हो जाती है वाली रोड। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यही वाला रास्ता है जहाँ से हमको टर्न लेना है, मे बी आई थिंक सो, नहीं सही गाइस हमको लेना है आगे से टर्न आई थिंक, तो देखते हैं शायद आगे वाला ही रास्ता है कि भैया यही रास्ता था। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आने का हुआ है गाइस, इसलिए भैया देखो हमको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो देखते हैं शायद मेरे ख्याल से आगे यही वाला है टर्न। हाँ जी सो गाइस यही वाला टर्न है, हमको राइट लेना है, यहाँ से हम राइट लेंगे और फिर पहुँच जाएंगे हम भैया वही अपने वाइट हाउस, जो मेरठ का जो वाइट हाउस है गाइस वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको वाइट हाउस, तो एक बार फिर से भैया आपको वाइट हाउस दिखाएंगे गाइस। रोड एक बार चेक मारो गाइस, मतलब कितनी प्यारी रोड है, कितनी शानदार रोड है, बिल्कुल घने जंगलों से होते हुए गाइस, मतलब इधर पूरा ही जंगल है, और भाई इधर गाइस, और देखो ये है अपने मेरठ का वाइट हाउस, तो आपको प्रॉपरली अगर दिख रहा होगा तो ये भैया वाइट हाउस है अपने मेरठ का। और गाइस एक बार सीन चेक मारो ये वाला गाइस, मतलब रास्ता क्या कमाल का है यार, मतलब अलग ही लेवल का रास्ता है गाइस ये वाला। तो भाई हम निकालेंगे इधर की साइड से और फिर चलेंगे भैया अपने घर की साइड। तो गाइस कुत्ते भी यहाँ पे बड़े सारे घूम रहे हैं, पता चला भैया कुत्तों ने हमें काट कूट लिया ना गाइस, तो भैया हो जाने हैं भैया इंजेक्शन लग जाने हैं कई सारे, तो भैया इनके सामने से ना बड़ा प्यार से निकालनी पड़ती है गाइस, क्योंकि जैसे ही भैया अगर तुम गाड़ी तेज़ भगा रहे हो ना, तो तेज़ जैसे आप भगाते हो तो ये लोग, ये कुछ जो कुत्ते होते हैं ना, ये आपके पीछे ना ऐसे लगते हैं कि भैया वो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो सिंपल सी ट्रिक है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही अगर आपके पीछे भैया कुत्ते लग जाते हैं तो गाड़ी वहीं की वहीं आपको स्टॉप कर देनी है, रोक देनी है, और आ देना है कुत्तों को डांट डुपूट के भैया। तो यही एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सी ट्रिक है गाइस, अगर आप इनके सामने ना अगर भागाओगे, अगर गाड़ी भगाओगे तो देखो डेफिनेटली भैया ये आपके पीछे लगेंगे, और हमेशा
हर सीन में यही वाली चीज़ होती है भैया, एक्सीडेंट हो जाता है इनके चक्करों में, क्योंकि जब भाई बंदा डर जाता है जब कोई ऐसे कुत्ता पीछे लगता है। तो एक बार रोड चेक मारो गाइस, गड्ढे ही गड्ढे हैं यहाँ पे। और ये वाली रोड भी मतलब बहुत प्यारी रोड लगती है गाइस मेरे को ये वाली। यहाँ पे भी आपको भीड़ तो देखो मिलेगी। ये रोड आपको रात में और जी सुबह के टाइम में ये आपको इतनी खाली रोड मिलेगी। और गाइस रोड इतनी प्यारी हो जाती है ये उस टाइम पे कि बस आप फील करो भैया, आराम से घूमो। जो सोलो राइड होती है ना गाइस, वो बड़ी ही कमाल की हो जाती है। सो गाइस बस अब भाई अपने आरएस में थोड़ा सा काम वगैरह करवाना क्या टाइम है, तो जैसे ही मौका लगेगा वैसे ही थोड़े से मोड्स वगैरह उसमें अपग्रेड करवाने हैं गाइस। और आरएस को भैया दोबारा से एक न्यू थीम देनी है गाइस। तो काफ़ी टाइम से प्लान चल रहा है, जब लद्दाख सीरीज़ थी तो लद्दाख सीरीज़ में मैंने अभी बताया था आपको, एक मैंने बाइक देखी थी RS 200, क्या गजब की मॉडिफिकेशन थी। मतलब सिंपल सोवर थी लेकिन गाइस बहुत ही एक नंबर की मॉडिफिकेशन थी। तो खैर वही सोच रहा हूँ मैं करवाने के लिए, बस लेट्स होप कि भैया टाइम थोड़ा सा मिले ना तो तब जाके होगी। क्योंकि भैया देखो जॉब वगैरह का सिलसिला ऐसा है ना गाइस, जॉब के बाद ही भाई अपने को व्लॉग वगैरह करने की थोड़ी सी मतलब टाइम मिल जाता है, तो उसमें आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाती है गाइस, और बस आपसे थोड़ा सा मिलना हो जाता है ऐसे। और प्रॉपर एक टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अपनी आरएस को लेके जाया जाए, क्योंकि गर्मी गाइस इतनी हो रही है, उसमें जाना पड़ेगा सुबह और टाइम पूरा हो जाएगा उसमें, क्योंकि पूरा ही दिन लग जाएगा अगर उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह करवाने बैठे अगर। तो खैर ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, बस क्या नाम है जो रैप है थोड़ा सा उसको ही चेंज करवाने का थोड़ा सा वो है। तो जब वो हो जाएगी ना गाइस, मतलब मेरे जो माइंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो दो तरीके से चल रहा है गाइस। एक तो चल रहा है कि भाई ब्लैक एंड वाइट, और एक गाइस मेरे दिमाग में चल रहा है ब्लैक एंड येलो। सो प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लैक एंड येलो चलेगा या फिर ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन चलेगा। सो ये वाली चीज़ बताइएगा, अगर आप कमेंट में बताते हैं तो जो ज़्यादा मतलब प्रेफर होगा तो उस चीज़ को अपनी आरएस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो बाकी गाइस आप पूरा सपोर्ट दिखाइए चैनल के ऊपर, बहुत सारा प्यार दिखाइए, और भाई ऐसे ही गाइस मतलब सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए चैनल के ऊपर, ताकि आपके भाई का चैनल और ज़्यादा ग्रो हो पाए। सो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं, और मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं गाइस, अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो साइड में जो बेल आइकन है ना सो गाइस उसको प्लीज़ ऑल कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग्स आते हैं तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचने पाए और गाइस आप इन्जॉय करने पाए लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग्स को। तो जी चलो फिर, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस बाय बाय।